कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ये 24 मई तक चलेगा। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ब्यूटी उर्वशी राउतेला ने भी हिस्सा लिया है। जी हाँ, जिनकी अब कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर कांस फिल्म फेस्टिवल में कैसा है उर्वशी का ये वायरल लुक। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। रेड कार्पेट से खुद एक्ट्रेस ने फोटो शेयर की है जहां वो एकदम बेमिसाल अवतार में नजर आ रही हैं। उनका लुक हो या उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ जबरदस्त लग रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार उर्वशी ने क्या कुछ कैरी किया है। दरअसल उर्वशी राउतेला ने इंस्टाग्राम से अपने लुक को शेयर किया है। इस तस्वीर में वो हॉट पिंक गाउन में नजर आ रही हैं। ये ड्रेस बेहद अट्रैक्टिव है और उन पर काफी जच भी रही है। जिस तरह एक्ट्रेस ने कैरी की है वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, लोग भी इस पर तरह तरह से रिएक्ट करने लगे। कोई तो उर्वशी को बला की खूबसूरत कह रहा है तो कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, शी इज सो ब्यूटीफुल लाइक अ बार्बी डॉल। वही एक ने लिखा, ऋषभ पंत की तो मौज हो गई। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इस बार 77वां एडिशन है जहां दुनिया भर के सितारे हिस्सा लेंगे। 14 मई से 25 मई 2025 तक ये कार्यक्रम चलेगा। हर साल ये फेस्टिवल फ्रांस में होता है जहां कई फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होती है। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में विनर्स का ऐलान भी किया जाता है। इस साल 22 फिल्में इस बारी रेस में हिस्सा लेने वाली हैं। लेकिन इससे पहले बात कर ले उर्वशी राउतेला की, तो कई सारे लोग दीपिका पादुकोण के पुराने कांस लुक को शेयर करके उर्वशी को कॉपीकैट बता रहे हैं। इंडियन सेलेब्स की बात करें तो शोभिता धुलीपाला से लेकर कियारा अडवाणी का इस साल कांस में डेब्यू होगा। तो अदिति राव हैदरी दूसरी बार रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी। तो और भी ऐसे वायरल कांस लुक को देखने के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।